उस धर्म संसद के समय सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने सुनवाई शुरू कर दी थी, तो संतों को लगा कि अगर कोर्ट गंभीरता से सुनती है और फैसला करती है तो उसके लिए कुछ देर प्रतीक्षा की जा सकती है। संतों ने तय किया था कि सितंबर तक प्रतीक्षा करेंगे। दीपक मिश्रा जी की बेंच ने शुरू में इस तरह के संकेत दिए थे जिससे हम सबको आशा बंधी थी कि वह इस मामले की सुनवाई करके फैसला आएगा। इंटरवेंशन एप्लीकेशन से डिसमिस कर दी थी, कहा था कि टाइटल डिस्प्यूट है, इसको फैलाएंगे नहीं। पर उसके बाद जिस तरह के दबाव लाए गए, उनके इम्पीचमेंट का नोटिस, कुछ लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ वकीलों ने कहना कि 2019 के बाद सुनिए, दीपक मिश्रा रिटायर हो गए पर फैसला नहीं हुआ। तो 5 अक्टूबर को संतों की उच्चाधिकार समिति मिली, ये नोटिस किया कि 68 साल से मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट कब सुनेगा, कब निर्णय करेगा, इसका कुछ पता नहीं लग रहा, तो अब और इंतजार नहीं करना चाहिए, कानून बना करके राम जन्मभूमि के ऊपर भव्य मंदिर बने, ये अड़चने साफ हो। हम लोग इस महीने हर राज्य में उनके धार्मिक सामाजिक नेतृत्व को लेकर राज्यपाल से मिल रहे और उन्हें कह रहे राज्य की जनता की ओर से कि केंद्र में संदेश पहुंचाओ, इस राज्य की जनता मंदिर चाहती है। 15 नवंबर से हम देश में हर एक संसदीय क्षेत्र में सभा करके वहां के सांसदों से मिलेंगे, सब पार्टीज के सांसदों से मिलेंगे और उन्हें कहेंगे कि हम आपके वोटर हैं, हम सबका मत है कि मंदिर चाहिए, आप हमारे प्रतिनिधि हैं, आप लोकसभा में यह विषय उठाकर कानून पास करवाइए। दिसंबर में गीता जयंती से हम प्रकृति और ब्रह्मांड की सभी शक्तियों का आह्वान करने के लिए देश के मंदिरों, मठों, विहारों, स्थानकों, गुरुद्वारों में अनुष्ठान करेंगे।